ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करो। बुरा संस्कार जो हावी हो जाता है समय समय पर, बाबा कहता है उसे योग बल से ही दूर किया जा सकता है। मेरे अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो स्वयं में अच्छे संस्कार भी डालो। एक होता है बुराई को साफ करना, उसके बाद दूसरा है अच्छे संस्कारों को भी डालना। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार, ये अच्छे संस्कार माने जाते हैं। ज्ञान युक्त कर्म करना और पवित्रता को धारण करना, ये अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? बर्थ राइट अधिकार क्या है? बाबा से मिलने के बाद बच्चों को क्या अधिकार मिला और तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग यानी अनुभव होता है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों, मतलब परम धाम भी जाना है और वैकुंठ का भी राजधानी में आना है। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के देने के लिए। मुक्ति केवल नहीं, बाबा कहता जीवन मुक्ति भी मैं देने आया हूँ। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना, मतलब यहाँ से अगर पुरुषार्थ तो कर लिए और बार बार शांति धाम जाते हैं, योग लगाते हैं, तो डायरेक्ट वैकुंठ नहीं भेजता बाबा। पहले बोलता है कि नहीं, तुमको हम शांति धाम ले जाएंगे, वहाँ का दीदार करवाएंगे, उसके बाद तुरंत आ जाना, लेकिन पहले ले जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं, पंजाबियों में बोला जाता है ना सच्चा पातशाह, अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं, गॉड फादर ही सत्य है, भारत में ही कहते सच्चा पातशाह। अब फर्क तो है ना, वह सिर्फ सच कहते हैं और सच सिखलाते हैं, सच बोलना, सच्चा बनाते हैं, झूठ नहीं बोलना सिखाते हैं। वहाँ यहाँ पर कहते सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बना देते हैं। सच्चा पातशाह मतलब वहाँ केवल सच्चाई सिखाया लेकिन बादशाह नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर बाबा सच्चाई पर भी लाता है और सच्चा सच्चा पातशाह भी बनाता है। यह तो बरोबर मुक्ति भी दे दिए, मतलब झूठ से मुक्ति करवा दिए और जीवन मुक्ति भी दे दिए, बादशाही भी दे दिए, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिब्रेशन और फ्रूसन, ये दो शब्द आए हैं। लिब्रेशन मतलब जो मुक्ति करना, दुख अशांति से, कमी कमजोरियों से, विकारों से मुक्ति देना हुआ लिब्रेशन, और फ्रूसन मतलब भक्ति का फल देना। तो भक्ति का फल देते हैं और लिब्रेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, हम लोग तो जान रहे हैं ना, हम लोगों को दोनों मिल जाता है। लिब्रेट तो सबको करते हैं, मतलब यहाँ जितनी भी आत्माएँ हैं सबको यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं कलयुग से। फल तुमको लेकिन देते हैं, फल क्या है, सत्युग त्रेता का अधिकार दे देते हैं। लिब्रेशन और फ्रूसन ये भी एक भाषा बनाई हुई है ना, भाषाएं बहुत है, कोई कोई शब्द चुन लिया गया। देखिए बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी बोलते हैं, अब हिंदी में रुमाल, रुमाल उर्दू शब्द है, तो उर्दू का शब्द लिया गया ना, रुमाल जो आसान लगा ना उसको ले लिया गया। तो शिव बाबा के पास के भी नाम बहुत रख देते हैं, कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। अरे मालिक तो है ही वो, लेकिन कोई तो नाम रूप होगा ना, तो बाबा कहता उनका भी नाम रूप चाहिए। तो नाम रूप के बिना कोई चीज होती ही नहीं, तो मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, मतलब मालिक में भी शब्द हुआ ना तो नाम तो आया, तो नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिब्रेट भी करते हैं और फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है, यहाँ पर मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति कितने प्रकार का होता है? नहीं, जीवन मुक्ति भी दो प्रकार का होता है और मुक्ति भी दो प्रकार का होता है। मुक्ति एक तो दुख अशांति बीमारी कमी कमजोरी यहाँ पर मतलब रह रहे ना वो, उससे मुक्ति, जो विकार हमें दुख दे रहा उससे मुक्ति पाना, ये हो गया मुक्ति पाना। और एक है मुक्ति धाम में जाना, और जीवन मुक्ति यहाँ रहते हम सुख में हैं, सब कुछ प्राप्ति, हल्कापन है, अतीन्द्रिय सुख है, ये है जीवन मुक्ति। और वैकुंठ का तो जीवन मुक्ति है, तो दोनों एक यहाँ और एक वहाँ का है खेल। तो अपने घर का दीदार सबको तो करना ना, भले यहाँ मुक्ति दे देते हैं बाबा
विकारों से, कमी कमजोरियों से लेकिन मुक्ति धाम जरूर ले जाता है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उनको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित, तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर जाएंगे फिर फल भी मिलेगा हमें। घर जाएंगे बैठ नहीं जाना है, अब अपने फल को भोगने के लिए आएंगे स्वर्ग में। नंबर बार तुमको मिलता है तो और सब धर्मों को भी समय अनुसार मिलता है। अब द्वापर में आएंगी आत्माएं तो ऊपर से सतोप्रधान आएंगे, तो सतोप्रधान आएंगी तो उनको भी जीवन मुक्ति मिलेगा। तो बाप ने समझाया था कि यह चर पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नर्कवासी लिखा हुआ रहता था, आप स्वर्गवासी हैं या नर्कवासी हो तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है, ये भगवान का दिया हुआ हमें अधिकार है। तुम लिख सकते हो भी हो कि बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का बर्थ राइट हमें मिल जाता है बाबा से मिलने से ही। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। तो रावण क्या करता है, हमें दुखी अशांत विकारी हर तरह से खराब बना दिया, तो ये उसका है वर्षा और ये परमपिता परमात्मा का वर्षा है। तो यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। दोनों का अंतर अभी समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। ऐसे लिखना चाहिए जो कोई समझ सके, एकदम क्लियर लिखवाना है। अब तुम बच्चों को हैविन स्थापन करना है, कितना काम करना अभी, तो अभी तो जैसे बेबीज हैं आप, मतलब अभी जो भी सेवा किए हैं वो बेबीज, मतलब छोटा बच्चा कैसे दौड़ दौड़ के जाता है, बच्चों को बोलिए बाप बेटा ये सामान ले आओ ये सामान ले, तो दौड़ दौड़ के बच्चे जाते हैं ले आते हैं। तो बाबा कहता अभी तुम बच्चे भी जो सेवा कर रहे हो ना बेबीज की सेवा है। जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी है बच्चा है, बाप कहते हैं सत्यों की स्थापना में बेबी है, सत्यों की स्थापना में अभी बेबी है, लेकिन अब दोनों ही बड़ा हो गया, खत्म हो रहा है, बड़ा हो गया है, मतलब स्थापना भी अब लास्ट समय पहुंच गया है और विनाश भी लास्ट समय पहुंच गया है। तो अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से ही वर्षा मिलता है। तो वह कोई फादर थोड़ा ही है जो वर्षा मिलेगा, रावण बाप है क्या, क्या किसी का बाप नहीं है। तो उनको यानी रावण को पांच विकारों को कहा जाता है, तो शैतान उसको कहता है, इसीलिए कहते हैं खाली मन शैतान का, मतलब जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पर शैतान आ जाता है। अभी देखिए ऐसे घर में अगर कोई नहीं रहता है तो 15 दिन भी अगर छोड़ के जाइए घर को कैसा हो जाता है, चारों तरफ गंदगी आ जाता है। तो खाली मन शैतान का, उसी तरह मन में अच्छा विचार आप नहीं डालेंगे कुछ दिन में ही वहाँ गंदा धारण हो जाएगा, धरती में भी, कि अगर खेती नहीं करते तो घास फूस उग जाता है, ये नियम है प्रकृति का, अच्छा करो तो ठीक और नहीं तो बुरा अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए रावण को बाप नहीं कहा जा सकता। शैतान का वर्षा क्या मिलता है, पांच विकार मिलते हैं, सो भी ऐसा करते तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते रहते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं गेस्ट के रूप में सबको, सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का, मैसूर का दशहरा बहुत अच्छा होता है, पैसे वाले वहाँ बहुत है ना, तो रावण राज में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती, जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा उतना ज़्यादा अकल खराब हो जाता है। देखिए गरीब गरीब तक सीमित रहता है, मतलब कम से कम में कैसे अच्छा किया जाए कोई भी काम, और अमीर सोचेगा और ज़्यादा कर लो और ज़्यादा कर लो, और उसमें अभी देखिए कितने भाई बहन है ना कि पैसा के बदौलत चल जाते भेल और देखने, और दिखाने के लिए जाते आते आते शरीर भी छोड़ देते हैं, और गरीब क्या करेगा, कहीं नहीं जाएगा दूर, वो नज़दीक से नज़दीक में और फिर छोड़ देता है भगवान भरोसे। तो जितना दिन आपका रहने का है उतना दिन तो आप रहेंगे। तो बाप डिटेल में समझाती हूँ, इसका नाम है रावण राज्य, भगाना रावण का है काम, तो उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे परंतु ला ना सके, राम राज्य ला नहीं सके, गांधी जी बंटवारा कर दिया ना, तो मनुष्य समझते गांधी जी जो अवतार थे
उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे लोग, देता था आजादी कराने के लिए। अब यह तो सारे विश्व का बापू है, अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी तो बाबा को कितना देना चाहिए, बहुत। लेकिन यहाँ बाबा गरीब निवाज है, लेता ही नहीं है सबका। जीव यानी शरीर, शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा विनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं, कौन ज्यादा है? हाँ नहीं, सितारे जास्ती नहीं है, आत्माएं हैं। जो बाबा कहता है ना कि ऐसे बहुत बार क्लियर किया है बाबा कि जैसे 33 करोड़ आत्माएं आत्मा रूप में आती हैं, तो इसीलिए वो 33 करोड़ आत्माएं हैं। बाकी जो आत्माएं हैं, जितना आत्मा है, जितनी आत्माएं हैं उसी का स्थूल रूप में सितारों को दिखाया जाता है, जितनी आत्माएं हैं। तो बाकी आत्मा है अविनाशी, ये शरीर विनाशी है, तो जो सितारे जास्ती है क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो आकाश के सितारे हैं। बाबा कहता जितनी आत्माएं हैं उतने ही सितारे बनेंगे ना, आत्मा जितनी है उतना ही का रूप वहां दिखाया जाता है। तो क्योंकि तुम धरती के सितारे हो और वो आसमान के सितारे हैं, तो पहले बोलते थे गिनती कर सकते हो आत कितना सितारा होगा आसमान में, तो बोलते यहाँ कहना है जितनी यहाँ मनुष्य आत्माएं हैं उतने वहाँ सितारे हैं। हाँ 33 करोड़ आत्माएं ही चमकती हैं, लेकिन बाकी आत्माएं चमकती नहीं हैं। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं, हमारा ही ना स्थूल रूप है तो इसीलिए या उनको देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है, लेकिन लकी सितारा कहते हैं, उसमें भी लकी सितारा होता है ना, ऊपर में भी बोलते हैं ना ये लकी सितारा है, तो वही 33 करोड़ में भी जो लकी सितारे हैं उनका नाम लिया जाता है। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना, आपस में डिस्कस करना, ये सब बातों पे डिस्कस करना है आपस में। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, बाबा ज़्यादा मनन चिंतन इसमें नहीं कर रहे हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में सब कुछ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वो बाप है ना, इसलिए सब कुछ जानते हैं वो। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह भी कोई सबको मालूम नहीं है कि समुद्र पर कैसे खड़ा होगा यहाँ पर जो दुनिया है। बाप ने समझाया था रावण राज्य सारी सृष्टि पर है, ऐसे नहीं कि रावण राज्य कोई सागर के पार है, नहीं, सागर तो ऑलराउंडर में है, ऑलराउंड में चारों तरफ पानी ही पानी है। कहते हैं ना नीचे बैल, उनके सिंगों पर सृष्टि थमी हुई है, सिंगों पर बैल। एक चीज और बाबा बहुत सुंदर क्लियर किया है, फिर जब थक जाता है तो सिंग बदली करता है, मतलब एक सिंग पे फिर दूसरे सिंग पे, तो सत्युग त्रेता एक सिंग, द्वापर कलयुग एक सिंग, एक है निर्विकारी दुनिया, एक है विकारी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया खलास हो फिर नई दुनिया आ रही होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं के रूप में लिख दिया, ये सब कि बैल के सिंह पर सृष्टि थमी हुई है और फिर वो सिंह बदली करता जब थक जाता है, तो ये सब दंत कथा लिखा हुआ है। तो यह तो बच्चे समझते हैं, यहाँ सभी आत्माएं शरीर के साथ है, इनको कहते जीव आत्माएं, जीव माना शरीर। तो वह जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर नहीं होता है, परम धाम में शरीर नहीं होता है, उनको कहता निराकारी दुनिया। जीव आकारी है इसीलिए इसको कहा जाता है साकारी दुनिया, निराकार को शरीर नहीं होता है, यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया, इसको सृष्टि कहेंगे। उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ कोई हलचल नहीं होता है, बस आत्माएं जाकर बैठ जाती है, जो दिखने में भी नहीं आता है। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, ये बातचीत करना चलना फिरना ये शरीर में होता है, तो यह तो शरीर कोई काम का नहीं रहता फिर, यह तो उनको ही कहा जाता, तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्मा है वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, मतलब जितनी भी ऊपर में आत्माएं टोटल आ जाती हैं और उन आत्मा पूरी आत्माओं में फिर पुरुषोत्तम बनाया जाता है आत्माओं को, इसीलिए पुरुषोत्तम। अब जो ऊपर में आत्माएं हैं वो तो एकदम ठीक है, बहुत पवित्र है, पावन है,
और यहाँ आत्माएं पावन बनी तो उसे पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, आत्माओं में उत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा ऊपर में है। टोटल आत्मा यहाँ आकर पतित बन जाती है, उसके बाद बाबा अपने बच्चों को पावन बनाता है, तब इस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी आत्मा नहीं रहती है, वहाँ एकदम खाली हो जाता है, तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम यहाँ संस्कार लेकर जाती हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे सब, और पावन बनकर ही जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार बन जाएंगे। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं तो कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर यहाँ ही है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनकर जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पवित्र बनकर जाता है। ज्ञान नहीं है लेकिन वो पवित्रता में है। आप देखेंगे कि शरीर का भी पवित्रता है तो कोई मन बुद्धि से भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान उसके अंदर नहीं है। और किसी के अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन पवित्रता नहीं है, और किसी के अंदर सब कुछ है। तो वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे हो जाते हैं। ये खेल चल रहा है, अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने का संस्कार भरा हुआ है, पढ़ाने का संस्कार बाबा में है, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं बाबा। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज बाबा भी है और हम आत्माएं भी हैं, और उसके बाद झाड़ कैसे बढ़ता है वो भी बाबा देता है समझानी। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। झाड़ कितना फैल गया भक्ति में, कितना फैल गया भक्ति में, बहुत डिटेल हो गई ना, डिटेल हो गया मतलब विस्तार हो गया बहुत। अभी आप पी के पिक्चर में देखेंगे ना, किसी में वाइट पहनना शुभ है तो किसी में वाइट पहनना अशुभ है, किसी में शराब चढ़ाया जाता है कहीं तो कहीं शराब लाना भी पाप है। तो विस्तार हो गया ना भक्ति का। तो बीज को याद करना तो सहज है, लेकिन मुख्य है बीज, और बीज है बाबा, बीज है हमारा कर्म, इन दोनों को याद करना है। तो वहाँ ही चले जाना है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, नहीं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 साल लग गया। तो फिर सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 लगते, एक्यूरेट 5000 लगता है, और चढ़ने में सबका 100 साल लगता है, सबका नहीं लगता है। यह चक्र बना हुआ एक्यूरेट है जो रिपीट होता रहता है, और कोई इन बातों को बता ना सके, तुम बता सकते हो सारी बातों को। आधा आधा किया जाता, आधा स्वर्ग आधा नर्क, फिर उसका डिटेल बताते हैं कि आधा आधा तो कर दिया गया, लेकिन जब हम लोग विकार में गिरते तो अचानक नहीं गिरते, धीरे धीरे गिरते हैं, और चढ़ना रहता तो एकाएक चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सुख जास्ती कहा जाएगा। स्वर्ग में जन्म कम होता है, कितना जन्म है स्वर्ग में, 20 जन्म है, आयु बड़ी हो जाती है। नर्क में जन्म कितना हो जाता है, 63 जन्म नर्क में, और आयु बहुत छोटी हो जाती है। तो वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसीलिए यहाँ बहुत जन्म लेते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्य को तो कुछ भी मालूम नहीं, कब देवताएं थे, कैसे वो बने, कितनी समझदार बने, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, फिर यह तुम्हारे संस्कार में रहने नहीं है, फिर वह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं है। मतलब 21 जन्म भोगते भोगते हम अपने संस्कार जो यहाँ से ले जा रहे हैं वो गुम कर देते हैं, और उसके बाद फिर विकारी संस्कार शुरू हो जाता है। मतलब अच्छा संस्कार खत्म हुआ तो रावण अपना बीज बोना शुरू कर देता है। जैसे रजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई से संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने के लिए आएंगे, सब अपने अपने पाठ के अनुसार नीचे आएंगे। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का पहला देवता है, वो पहला प्रिंस है। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ा ही होगा, एक ही कृष्ण होंगे,
उनके साथ पूरी राजधानी होगी तो सारी राजधानी होगी, राजा के साथ तो प्रजा भी चाहिए ना, अकेले क्या करेंगे कृष्ण। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं, अगर कहीं इकट्ठा आठ आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर वन में आएगा ना, तो आठ भी इकट्ठा नहीं आते हैं। आठ इकट्ठे आते तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों होगा, अगर आठ इकट्ठा आएंगे तो नंबर बार मतलब सेकंड का मिनट का घंटे का अंतर हो जाएगा आठों का आने का। यह सारी बातें आगे चलकर समझाएंगे बाबा, आगे और समझाएंगे, लेकिन अभी बाबा सारा ज्ञान समझा चुका है। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना, यह युक्ति अच्छी है। जहाँ जिस बात में देखो तुम नहीं समझते हो तो बोलो, हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या फिर ये कहना चाहिए कि बाप ने अभी तक बताया नहीं, ये बोल सकते बाप ने अभी बताया नहीं। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बड़ी बहन से पूछना है, और नहीं तो बोलना है कि अभी तक हमको समझ में नहीं आया है या समझाया नहीं गया है, समझ जाएंगे तो बता देंगे, मूझना नहीं। तो यह कहना चाहिए कि बाप ने अभी बताया नहीं। दिन प्रतिदिन गुह्य से गुह्य बातें सुनाते हैं, पूछने में कभी भी लज्जा की बात नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे पूछे, कोई क्या समझेगा, नहीं पूछना है। गुह्य से गुह्य पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी भी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भाव और मध्याजीव भव। कोई को मालूम है मन मना भाव और मध्याजीव भव का अर्थ? तो मध्यजीव भव मतलब अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी हो जाता है, चारों युगों का पाठ भी होता है, ये आदि मध्य अंत सब इसमें हमारा समाया हुआ है। मध्यजीव प्रारब्ध जो है हम लोगों को मिलता है, तो अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है लेकिन अर्थ नहीं पता है। मूंझने की तो इसमें जरूरत नहीं, बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख उसको मिल गया। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है, बाबा पूरी तरह से पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा भी डेली बाबा मुरली पवित्रता पर चला रहा है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है, यह पहले नंबर में जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं जो ब्रह्मा बाबा में हैं थे और जो मम्मा में थी, तो अभी तो बेगुण है ना, अपने अवगुणों को भी किसी को पता ही नहीं पड़ता। अपने अंदर अवगुण है लेकिन पता नहीं पड़ता। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज तो होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का राज भी समझाया है। यह है पतित, वह है पावन दुनिया। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम पर होती है। एडॉप्शन मतलब बाबा एडॉप्ट करते हम बच्चों को। प्रजापिता ब्रह्मा जब हैं तभी एडॉप्शन होती है, मतलब बिना माँ के कैसे एडॉप्ट करेगा, कोई भी बाप बिना माँ के बच्चों को एडॉप्ट नहीं करता, इसलिए ब्रह्मा बाबा जब आती है तब किया जाता है। सत्युग में ये एडॉप्शन वाला कार्य नहीं होता, वहाँ पर सबके अपने अपने बच्चे होंगे। यहाँ भी किसी का बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट तो करते हैं ना, तो प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ब्राह्मण माना ब्राह्मण के संस्कार होने चाहिए तभी उनको बच्चा कहा जाएगा, इसीलिए आधा अगर ज्ञान है आधा अगर संस्कार भरा हुआ तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, वो क्षत्रिय कुल में आ जाता है ना, तो हाफ कास्ट उसको ब्राह्मण कहेंगे। तो यह मुख वंशावली ब्राह्मण है, वह होते कुख वंशावली। तो ब्रह्मा तो नाम ही ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सरनेम जो है ब्रह्मा प्रजापिता, ये सरनेम है तो ये बेहद का ना, प्रजा बहुत सारा बनता है तो सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव है। उनको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, बहुत अच्छे से कर्म किए ना बूढ़े होने के बावजूद। तो यह है बेहद का सरनेम प्रजापिता, वह सब होते हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते। यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि त्याग तपस्या यहाँ चला, भगवान स्वयं धरती पर यहाँ पर आए, देवी देवता यहाँ जन्म लिए, ब्राह्मण जो त्याग तपस्या किए वो यहीं पर किए, ऐसे नहीं कि सारे भारत में विराजमान हुआ।
सारे भारत में भी नहीं कहेगी, लेकिन नाम पड़ जाता है भारत में होगा। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई वहाँ, आबू में कैसी आए। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके, बाप यहाँ से आकर सबकी सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं आते हैं, आते हैं भारत में। तो वह तो पाकिस्तान हो गया। तो एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या होता है? पवित्र स्थान। नाम बहुत सुंदर रखा गया है पाकिस्तान। तो वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा चला हुआ है, बना हुआ। तो मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे, तुम ये समझती हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कितने काल के बाद मिले हो, कितने काल के बाद मिले बाबा से? 5000 साल के बाद मिले। फिर कब मिलोगे? हर कल्प मिलेंगे। सुंदर मेला बन कर दिया ना जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, सुंदर मेला बन गया ना। कैसे मिलन मेला बना रहे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे मधुबन में इकट्ठा होते हैं। तो गुरु तो बहुत हैं, इसीलिए सतगुरु इनको कहा जाता है, शिव बाबा को। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं तुम्हारा पति है, तुम्हारा ईश्वर भी है और गुरु भी है। पहले बोलते थे कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। तो पति तो पहले पहले नापाक ही तुमको बनाते, तो वो परमेश्वर कैसे हो गया? जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ परमेश्वर लग गया। तो आजकल तो दुनिया बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं, पक्का पक्का हथियाला, बच्चे पवित्र बनो। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी होनी हो जानी चाहिए एक ही साथ, मतलब सारा कुछ एक साथ है। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ी देरी से नई दुनिया में हुई है, मतलब जैसे जैसे संपूर्ण बनेंगे तब तो श्री कृष्ण का जन्म दिखाएंगे। तो मुख्य देखिए शिव जयंती, रक्षाबंधन और गीता जयंती, बाबा कहते ये तीनों एक ही साथ हो गया। बाकी त्योहार इस समय की है। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता ही है क्या? रामनवमी तो रामनवमी कब? जब 9वां जन्म होगा कृष्ण की आत्मा का, त्रेता युग में पहला, और ऐसे 9वां जन्म उसको कहा जाता है रामनवमी, 9वां जन्म। तुम कहोगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है, 9वां जन्म हुआ। तो शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई, इन सब की डिटेल बाबा समझा चुका है। यह कोई को भी बता सकते हो, बाबा कहता है कोई भी बता नहीं सकता, बाहर वाला कोई भी नहीं बता सकता, बाबा ही बताया। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा सब कुछ जान रहे हो, एक्यूरेट बता सकते हैं बाबा। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, अब लाखों वर्ष की बात यहाँ थोड़े ही बता सकते हैं। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बच जाते हो, एक ही जन्म पुरुषार्थ करने से 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बच जाते हैं। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो, अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आ गया, 84 जन्मों का चक्र, कब क्या कैसे जन्म लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीख ले दे बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मना पवित्र जरूर बनना है। कोई भी विकार अंदर में नहीं लेना है, अगर वर्षे का अधिकार लेना है तो अच्छे संस्कार योग बल से धारण जरूर करने, अच्छे संस्कार धारण करो। किसी दूसरी आत्मा के बोलने पर, या मतलब बोलते ना कि मन मत लेने पर, और दूसरा होता है जन मत लेने पर। जन मत क्या होता है, मन मत क्या होता है? जन जब जैसे आप अकेले हैं, 1000 लोग एक साथ आपको बोले नहीं ये अच्छा सही नहीं है, तो आपको लगा ये सही लगता बोल रहा, हजारों लोग एक तरफ बोल रहा तो हम ही सही हैं, तो ये हो गया जन मत। तो अभी प्रजा कुल की आत्मा कितनी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा होंगी ना, तो वो है जन मत, उस पर नहीं चलना है।
फिर एक होता मनमत, कोई आत्मा आपसे आके है थोड़ा सा तो वो अपना मनमत लगाकर आपको बता देगी, लेकिन आप उसका दासी बन जाएंगे अगर किसी के अंदर में चल रहे हैं। बाबा के ही श्रीमत पर चलें, बस श्रीमत बाबा रोज बता रहा ना, रिगार्ड देना है सभी बहनों को भाइयों को, लेकिन बाबा रोज मुरली क्यों चलाता है, ताकि श्रीमत का रिवाइज हो सके, आप याद कर सके। तो बाबा कहता अच्छे संस्कार योग बल से धारण करना है, अपने को गुणवान बनाना है, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो राज गुह से गुह बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना है और दूसरों को सुनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, और अगर मूंझते हैं तो उसे क्लियर करना है, युक्ति से उत्तर देना, लज्जा नहीं करनी कोई भी बात में। शुरू में पवित्रता पर लगता था ना क्वेश्चन का जवाब कैसे करें तो लज्जा आता था, लेकिन फिर युक्ति से जवाब देने लगे ना, आज कोई शर्म नहीं। आज का वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ काम करते हैं, सही रीति से काम करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल तुरंत खुशी और शक्ति मिल जाती है, उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती है। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, मतलब संगम युग में हम अगर ब्राह्मण बने और सही से श्रीमत पर चल रहे हैं तो दुख का नामो निशान नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो, ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता बन जाएंगे, दूसरों को भी सुख देने लगेंगे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी भी दुख न देंगे न लेंगे। लौकिक परिवारों में भी कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है ना, तो फिर बोलते हैं कि उसको कैसे मिल रहा हमको कैसे नहीं मिल रहा, ये किसका संस्कार हो गया, रावण का संस्कार हो गया। लेकिन बाबा क्या बोला, बच्चे जो मिल रहा है ब्राह्मण बनने के बाद वो बाप की मर्जी है, तुम्हारा भाग्य में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम पूरी 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल खाली हो चुके हो, कर्जदार हो गए, तुम्हारे भाग्य में जो भी अभी मिल रहा वो भी नहीं है, तो इसीलिए बाबा जो दे रहा उसमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। तो वैसी आत्माएं खुद भी खुश रहेंगी, दूसरों को भी खुशी बांटती रहेंगी, वे कभी ना दुख देंगे न लेंगे, इसलिए कोई भी चीज का जास्ती लालच नहीं करना है। स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यह रहम दिल आत्माओं की निशानी है। रहम दिल आत्मा, कल भी रहम दिल पर आया, परसों भी आया, रहम दिल बनने के लिए रोज कहा जा रहा है। ओम शांति।